अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग मौजूद हैं शाम के गैराज में, खड़े हैं, पीछे खड़ी है शाम की गाड़ी। तो हम लोग ये इंफॉर्मेशनल वीडियो प्रॉपर, ठीक है। अगर आप गाड़ियाँ लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है वो सारा इस वीडियो के अंदर डिटेल बताया हुआ है। असलम भाई से हमने रिक्वेस्ट की है कि गाड़ी थोड़ी सी बाहर मार निकाल के तो ज़रा हमें थोड़ा सा रिव्यू दें कि किस तरह से आप गाड़ी चेक करते हैं। असलम भाई का माशाल्लाह अपना बिजनेस है कारों का, लेते भी हैं देते भी हैं। ये गाड़ी खड़ी है बाहर, असलम भाई इसका बताएं सारा यार। अस्सलाम वालेकुम यार। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो दो तरीके की गाड़ियाँ होती हैं, ये दरअसल करोला है, ये करोला 1980s की है, इसे इंडस बोलते हैं। कुछ लोग हर एक की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, कोई GLI कहते हैं, कोई XLI कहते हैं, मगर ये बेसिकली ये मॉडल था वो इंडस की वजह से बहुत मशहूर हुआ था। दूसरी बात, अब आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी टोटल पेंट है। अब इस पर पेंट क्या है, जेन्युइन नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, टोटल पेंट है। गाड़ी दो तीन तरीक़ों से देखी जाती है, जब बेसिकली गाड़ी हिट होती है या गाड़ी अपने दोबारा तैयार की जाती है तो वो वहाँ से वक्त के साथ साथ जंग पकड़ती है। गाड़ी दो तरीके से जंग पकड़ती है, या बारिश में खड़ी रहने की वजह से लोहे को जंग लगता है, या जब लोहे के ऊपर मुरम्मत की जाए, हथौड़ी वगैरह से उसको ठीक किया जाए या उसको अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लाया जाए, तब जो होता है वो घड़ी जंग पकड़ती है। अब ये देखें, इसमें ये है, ये इसका बोनट पेंट है। अब इसके साउंड में देखें, ये आपको गत्ता गत्ता सा फील हो रहा है। अब अगर उसके मुकाबले में इसका साउंड सुने, ये लोहे, ये लोहे का साउंड आ रहा है, उस पर गत्ते का साउंड आ रहा था। हाँ, अब कुछ जो गाड़ियाँ होती हैं वो पुटीन के बगैर भी शावर की जाती हैं, लाइक उन पर स्प्रे लगता है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होता। पुटीन वाली भी जो शावर है, बेसिकली दो तरीके से शावर की जाती है गाड़ी, एक पुटीन से और एक बगैर पुटीन के। जो खाली पुटीन की जाती है उससे खाली स्प्रे होता है। बेसिकली जब गाड़ी बाहर खड़े होने की वजह से या धूप की वजह से कोई भी गाड़ी का पीस फेड हो जाता है ना, तो उसको हम पुटीन के बगैर शावर करते हैं, क्योंकि ऊपर से पेंट जो होता है वो सैंड पेपर से रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि बेस बिल्कुल क्लियर होती है, उस पर कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई होती, तो हम उसको एज इट इज स्प्रे मार देते हैं। जब गाड़ी के से एक्सीडेंट होती है तो हिट होती है, ऑब्वियसली बात है, लाइक ये अब जो गाड़ी का पीस है ना वो पेंट हुआ है, ठीक है। क्यों, ये गाड़ी यहाँ थोड़ी सी लगी थी जिसकी वजह से ये हिस्सा हो गया था इसका अंदर, अंदर होने के बाद बाइक वाला हिट हुआ था पीछे से आके, ये हिस्सा हो गया था अंदर। अब जब इस चीज़ को दोबारा सीधा करना था तो ऑब्वियसली बात है इस चीज़ के ऊपर डेंटिंग की जाती है। जब डेंटिंग की जाएगी तो आपको पता है निशान पड़ जाएंगे, निशानों को और बॉडी को इक्वल करने के लिए ऊपर पुटीन लगाई जाती है। पहले पुटीन लगाई जाती है येलो कलर की, फिर उसको सुखाया जाता है धूप में ताकि वो जो बॉडी है उसके साथ बिल्कुल अपनी बेस इक्वल कर ले, फिर उसको दोबारा साफ़ किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर अस्तर लगाया जाता है, ये पेंट का तरीका। उसके बाद अस्तर जब उसके इक्वल हो जाता है, फिर पूरी बेस तैयार हो जाती है गाड़ी की पेंट होने के लिए, फिर उस पर पेंट किया जाता है। तो देखें बिल्कुल इक्वल है, मगर ये चीज पेंट है। ये देखें अब इसके साउंड, ये गत्ते वाला साउंड इधर, ये देखें ये गत्ते वाला साउंड है, क्योंकि यहाँ पर पुटीन लगी हुई है, यहाँ पुटीन नहीं लगी हुई, ये वही आपको लोहे वाला साउंड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पुटीन नहीं लगी, यहाँ पुटीन लगी हुई बेसिकली, क्योंकि मैंने खुद करवाया था, मुझे पता है इस चीज़ का। ले जी, अब हमें बताने लगा ये इंजन के बारे में, ठीक है। सिटी 11 मॉडल है ना। पहली बात तो मैं बिल्कुल अपने घर की तारीफ नहीं करता, मगर ये 2010 मॉडल है, 11 के रजिस्टर्ड है, मगर माशाल्लाह इसका इंजन बेस देख सकते हैं, वो होते हैं कुप्पे, जिसके पूरी ये होते हैं कुप्पे, ये और ये इसकी बेसिस होते हैं जिन पर गाड़ी पूरी बेस्ड करती है, जिस पर गाड़ी पूरी खड़ी होती है, जिस पर गाड़ी की सारा जान होता है। ऑब्वियसली बात है ये इंजन होता है, ये इसकी बैटरी होती है और ये आगे कंडेंसर वगैरह ये चीज़ें लगी होती हैं। अच्छा, अब गाड़ी जब हम लेने जाते हैं ना, सबसे पहले आगे से देखते हैं हिट तो नहीं हुई हुई, फिर देखते हैं पीछे से हिट तो नहीं हुई हुई। इनके से अगर गाड़ी हिट हुई हुई हो तो इन जगहों पर डेंटिंग हुई होती है, इन सारी, ये इसे कहते हैं फ्रंट पट्टी, ये होती है पट्टी। ऑब्वियसली जब गाड़ी यहाँ से यूँ करके हिट होती है, जब हिट होती है तो पट्टी अंदर चली जाती है, और जब पट्टी पर दोबारा डेंटिंग होती है तो ये आप देखें, ये आपको बिल्कुल लोहे का साउंड आ रहा है, लोहे का साउंड। अगर ऑब्वियसली बात है गत्ते का साउंड होता है, वो भी बात डेंटिंग हुई होती है, क्लियर पता चल जाता है कि एक पीस दोबारा रीपेंट हुआ है। और जो ओरिजिनल पेंट होता है उसमें कभी भी इतनी शाइन नहीं होती, आप ये शाइन देख सकते हैं, आप मेरी डिग्गी के पेंट देख रहे थे और ये देख लें, पता चलता था कि वो थोड़ा थोड़ा पेंट हुआ है। तो छुपाने वाली बात नहीं है, लाहौर शहर है, गाड़ियाँ लगती हैं, आगे पीछे हम जाते हैं, क्योंकि आपने लाहौर शहर में गाड़ी चलानी है, अपने खुद भी बचाना है, अगले बंदे को भी बचाना है। ये कुप्पे होते हैं,
बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो यूँ हिट होती हैं तो उनके कुप्पे भी दोबारा बने होते हैं, तो यहाँ पर बेसिस लगाई जाती हैं कुप्पों को दोबारा बनाने के लिए। जो उजड़े कुप्पे होते हैं वो कभी भी इस तरह के नहीं तैयार होते, जो चीज़ दोबारा तैयार होती है उसमें हल्का सा उनका फ़र्क ज़रूर आ जाता है। और जो सुजुकी की गाड़ियाँ होती हैं जैसे कल्टस है, महरान है, इस तरह वो तो वक्त के साथ साथ उन पर जंग लग जाता है, मगर उन पर जंग लग जाए तो आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि ये चीज़ हिट हुई हुई है। मैंने आपको बताया कि दो तरीक़ों से गाड़ी जंग पकड़ती है, या बारिश में खड़े होने की वजह से, या जब वो कहीं से हिट होती है वो दोबारा तैयार होती है तो वक्त के साथ 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 जब प्रोटीन ख़राब होने लग जाती है तो वो जंग पकड़ने लग जाती है, मगर हर मामले में ये नहीं होगा कि वो हिट ही हुई हुई है। सुजुकी का वैसे ही जो ये अंदर वाला हिस्सा होता है उसकी इतनी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ऑब्वियसली बात है 6-5-7 मॉडल की जो कल्टसें होती हैं उनके फ़र्क बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसको कैसे पहचानेंगे कि हिट हुई है कि नहीं हुई अगर जंग लगा हुआ तो? मगर जंग लगा हुआ तो मैं कुप्पा चेक करने का तरीका बताया ना, आप तो पेंट चेक करें, पेंट तो नहीं होगा। और मैंने बताया ओरिजिनल कुप्पा जो होगा वो कभी भी ऐसा नहीं बना होगा, उस पर नीचे ना कहीं पर पेस्ट पूस्ट जरूर लगा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि वो पेंट हुआ है। सही होगा, तरीका चेक करने का तरीका है ना। बाकी आप ये ओरिजिनल है ना, अगर इनकेस अगर मेरे पास गाड़ी आई होती है या वीडियो के एंड पे पिक्चर पोस्ट हम करके उसमें बता देगा आसान कि ये कुप्पा तैयार हुआ है तो ये भी साथ हो जाएगा, वो भी साथ हो जाएगा, आपको डिस्टेंस क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा दोबारा तैयार हुआ है कौन सा जेन्युइन है। तो आप लोगों को देखने का तरीका इजी है। बाकी जब भी गाड़ी देखने जाएं सबसे पहले इंजन की पट्टी देखें, ये फ्रंट पट्टी कि ये तो नहीं हिट हुई हुई, फिर जाकर डिग्गी देखें और फिर गाड़ी की बॉडी देखना शुरू करें। अच्छा हमारे यहाँ पर कि अगर तो गाड़ी पेंट है तो हम लोगों ने नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, गाड़ी पूरी भी पेंट हो तो गाड़ी परचेज़ करने में कोई मसला नहीं है। शर्त यह कि गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल होनी चाहिए 100%, मेजर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। अगर गाड़ी पेंट हुई हुई है एक्सीडेंट होने के बाद तो गाड़ी नहीं परचेज़ करनी, अगर गाड़ी टचिंग में है और उसको एक्सीडेंट नहीं हुआ हुआ तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि जो गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट होती हैं, जो लाइक वेजल हो गया, एक्वा होगी, हाइब्रिड जो गाड़ियाँ होती हैं ये बाहर से पेंट होकर आती हैं, हम लोग वो बड़ी शौक शौक से लेते हैं। क्योंकि जापान से गाड़ी इंपोर्ट हुई है ये हम तो भी तो वो शौक से लेते हैं, वो उन्होंने रीपेंट किया होता है, उन्होंने अपने ऑक्शन शीट में लिखा हो जाएगी हमने पीस रीपेंट, तो भी तो उन्होंने किसी ना किसी वजह से रीपेंट की हुई है ना। जब हम वो ले सकते हैं तो फिर अपने मुल्क की गाड़ियों को नहीं ले सकते, सिंपल सी ये बात है। बाकी जी ये गाड़ी के होते हैं झड़के, इन्हें झड़के कहते हैं, और ये गाड़ी के होते हैं पिलर्स। मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताता हूँ कि जब मैंने गाड़ी का काम करना स्टार्ट किया था ना तो मैंने एक महरान परचेज की थी जल्दी जल्दी में, मैंने हमारे साहब को कहा कि मैंने लेनी ही लेनी है। अच्छा। मैं ले आया तब मुझे इतना काम का नहीं पता, बाहर से पेंट चेक कर लेता था, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, मगर जब मैं ले आया और मैंने किसी को चेक कराई तो वो गाड़ी उलट के दोबारा तैयार हुई हुई थी। okay. उसके पिलर्स तक तैयार हुए हुए थे और वो गाड़ी मेरे लिए बहुत ख़तरनाक थी क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकती थी। अब आप ये देखें ये जेन्युइन पिलर्स हैं, आपको कहीं भी कुछ भी अलाइनमेंट में कोई फ़र्क नज़र आ रहा ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट। आप शाइन चेक कर रहे हैं, ये जेन्युइन पेंट की हमेशा शाइन होती है, जो पिलर तैयार हुआ होगा उसकी कभी इस तरह की शाइन नहीं होगी और उसकी कभी भी इस तरह की अलाइनमेंट नहीं होगी। लेन जी अलोसान भी हमें बताने लगे टायर का साइज़ कैसे चेक करते हैं। टायर का साइज़ हमेशा इस तरह चेक होता है, ये लिखा हुआ है 195/65 R15। जो R15 है वो रिम का साइज़ है, मतलब कि मेरी गाड़ी में जो रिम लगा हुआ है वो 15 इंच का रिम लगा हुआ है। अब 15 इंच के रिम के ऊपर मैं किसी भी साइज़ का टायर लगा सकता हूँ, मगर वो 16 इंच के रिम वाला ना हो, 17 इंच के रिम वाला ना हो, हो वो 15 इंच के रिम वाला ही साइज़ वेरी कर सकता है। जैसे मेरी गाड़ी में 195/65 है, मेरी गाड़ी का जो टायर है ना वो थोड़ा सा मैंने इसमें चौड़ा लगवाया हुआ है, जो एक्चुअल साइज़ आता है सिटी का वो आता है 165/75। ठीक है, जैसे मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, 165/65 भी हो सकता है, मगर जो मुझे पता है वो 165/75 है, मगर मैंने 195/65 इसलिए लगवाया है, चौड़ा टायर मैंने इसलिए लगवाया थोड़ा क्योंकि जब हम नॉर्दर्न्स में जाते हैं और हमारे लाहौर शहर में बहुत खड्डे हैं तो छोटे मोटे खड्डे होते हैं ना वो चौड़े टायर पे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते, टायर आपकी गाड़ी की सस्पेंशन को बचा लेता है। मोटा टायर इसलिए थोड़ा सा डलवाना चाहिए, लोग कहते हैं कि जी टायर मोटा हो जाए तो गाड़ी की एवरेज में फ़र्क पड़ता है, वो टायर मोटा होने की वजह से एवरेज में फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिम बड़ा लगने की। अगर मैं अपनी गाड़ी में जो एक्चुअल साइज़ 15 इंच आता है, मैं अगर इसमें 16 इंच का टायर डलवाऊँगा ना, 16 इंच का, जब 16 इंच का टायर तब भी चलेगा जब रिम भी 16 इंच का डलेगा, तो फिर गाड़ी के एवरेज पर लाजमी फ़र्क पड़ेगा। मगर अब 15 इंच है तो अब इसमें अगर मैं इसमें अगर 205/75 भी डलवा लूँगा ना तो भी मेरी गाड़ी के एवरेज को कुछ नहीं होगा। शर्त ये है कि रिम 15 का ही होना चाहिए, टायर 15 के ऊपर ही चलना चाहिए, बस रिम एक्चुअल रखना चाहिए आप लोगों को। ले जी अब डिग्गी का बताने लगे सामने। मैंने आपको इंजन और फ्रंट देखने का तरीका बता दिया, अब तरीका है बैक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीछे से बाइक वाला आके लगा था
तो अब आप अगर ये देख सकते हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डेंटिंग हुई हुई है, ये आप देखें यहाँ से गाड़ी हिट हुई हुई है, डेंटिंग हुई हुई, मगर मैंने इसको पेंट नहीं करवाया, मैंने एक्चुअल पेंट में रखा। आप देखेंगे डेंटिंग हुई हुई है और यहाँ से गाड़ी हल्का हल्का जंग पकड़ी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एक्चुअल सीधा करा के पेंट करवा सकता हूँ, मगर क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क तब भी मेरी गाड़ी पेंट में काउंट होगी और मेरी गाड़ी अब भी लगी हुई काउंट हो रही है इतने पीस पर, इतना पीस पर। तो मैं पेंट कराऊँ ना कराऊँ डजेंट मैटर, मैं इस तरह ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं हो रहा। बाकी गाड़ी की ये चीज़ें आप लोगों को देखनी चाहिए, बिल्कुल खरी मेरी जैन मैंने सारी, तो ये रब नट वगैरह लगे हुए, ये जो अंदर वाली चीज़ें होती है ना, यहाँ पर गाड़ी जंग शंग अगर पकड़ी है तो ऑब्वियसली बात है गाड़ी यहाँ से हिट हुई हुई है। और जो ये लाइट वगैरह होती है ये भी रिपेयरिंग हुई होती है, यहाँ से गाड़ी जंग पकड़ने लग जाती है सारी, क्योंकि वो हिट होती है। और वो जो गाड़ी का नीचे वाला हिस्सा होता है ये इसे कहते हैं, ये लाजमी देखा करें, ये देखें माशाल्लाह 10 साल पुरानी गाड़ी, मगर कहीं से भी गाड़ी ने जंग नहीं पकड़ा हुआ, एक्चुअल अपने हालात में है, एक्चुअल हालात में अपनी गाड़ी है। बाकी आप देख सकते हैं सारी, पर तब खास नहीं होता। अच्छा दूसरी भाई ये कि जो गाड़ी के ये बैक बम्पर होता है ये वाला, और ये वाला होता है फ्रंट बम्पर, और ये होते हैं पैनल्स, ये गाड़ी में काउंट नहीं होते। अगर ये पेंट भी हों, ये टूटे हुए भी हों, इनमें कोई डेंटिंग भी हुई हो, तो इससे गाड़ी की प्राइस पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। जो गाड़ी की चीज़ में जिस चीज़ के पैसे होते हैं, पहली बात बुक फाइल जेन्युइन होनी चाहिए, कागज़ के पैसे होते हैं सबसे पहले, इस पर छत पिलर डिग्गी बोनट और चारों दरवाजे, इस चीज़ की वर्थ होती है सिर्फ गाड़ी में। ये बोनट ये पैनल ये लगे हुए भी हों तो कोई मसला नहीं होता, अगर आपके अंदर से सीटें फटी हुई हैं ये इन चीज़ों में कुछ मसला नहीं होता। ये इंटीरियर ऐसी चीज़ है जिस पर पैसे लगा के उसे ठीक कर सकते हैं, मगर अगर गाड़ी की इंजन में कोई फॉल्ट होगा, इंजन ही ठीक नहीं होगा, तो फिर आप उसको वर्कशॉप में खड़ी रखेंगे। मेरा मशवरा हमेशा जो होता है कि अगर आप कह रहे हैं कि मैंने मुझे 10 लाख में गाड़ी चाहिए, अब लोग कहते हैं जी मुझे 10 लाख रुपए में, जी मैं 9 मॉडल ही लूँगा, 8 मॉडल ही लूँगा, बेशक वो ख़राब क्यों ना हो, फिर मैं उसे वर्कशॉप में देखता रहूँगा। नहीं, आपको 3, 4, 5 मॉडल भी अगर मिल रही है तो वो गाड़ी के अपने पैसे हैं, जिसने इतनी पुरानी गाड़ी को संभाल के रखा है वो फिर अपने तरीके के पैसे मांगेगा। बिल्कुल, मेरा मशवरा ये है हमेशा 50,000 ज़्यादा लगा लें, मगर गाड़ी आप वो ख़रीदें जिसको आप लेने के बाद वर्कशॉप ना खड़ी रखें, अपने घर खड़ी रखें और उसको चला जरूर सकें आप। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा 10 लाख में वो 11-12 मॉडल भी ले लेते हैं गाड़ियों के, मगर फिर वर्कशॉप खड़ी रहती है क्योंकि लोगों ने चलाया, इस तरह का होता है। गाड़ी के जो मीटर होते हैं वो भी रिवर्स हो जाते हैं, मगर ये जो डिजिटल मीटर होते हैं ये डिजिटल नहीं है, डिजिटल मीटर्स होते हैं वो पता चल जाते हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं जिस तरह होंडा सिविक एक्स है या रिबर्थ है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो जिस स्पीड जितनी तेज़ी से जाएगा उसका मतलब वो रिवर्स है, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे ऑन बूस्ट कर रहा है तो उसका मतलब मीटर रिवर्स नहीं है। बहुत एकदम वो स्पीड पे जा रहा है तो ऑब्वियसली बात उसमें कोई चेंजिंग हुई नहीं है। बाकी लाइट जेन्युइन होनी चाहिए, अगर लाइट में कहीं पर पानी भी अब लेने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लाइट में पानी है, ये लाइट टूटी हुई, लाइट में फंगस है, तो 110% बात है कि वहाँ से गाड़ी हल्की हल्की हिट हुई है, वरना कभी भी लाइट ऐसी नहीं करती। लाइट ऐसे नहीं, मेरी गाड़ी मीना बाहर खड़ी रखे आप, बारिश पड़ती रहेगी कभी भी लाइट पर पानी नहीं आएगा, क्योंकि कहीं से हिट नहीं है मेरी गाड़ी, ये सारे फैक्ट होते हैं। बाकी आप जब भी गाड़ी लेने जाएं, गाड़ी से पहले उसके कागज़ चेक करें, गाड़ी पसंद एक नज़र में आ जाती है मगर कागज़ देखना बहुत लाजमी बात होती है। अच्छा यार साहब हमें बता, अगर किसी ने गाड़ी ले ली है फ़ौरन उसको अपने नाम पर रजिस्टर करवाना है, क्या प्रोसेस है? अच्छा यार पहले तो बात ये कि हम एक बात बताना भूल गया था पहले पार्ट में, कि जब गाड़ी लें तो उसके कागज़ों को FIA आपका दफ्तर है लिबर्टी में, वहाँ से मस्त चेक करवाएं कि गाड़ी किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड से तो नहीं गुजरी। जब गाड़ी आप ख़रीद रहे हैं तो उसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे जाके, जो आपकी हमारी साइट है पाकिस्तान की, उसकी साइट का नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ, ई पे पंजाब है, उस पे जाके आप गाड़ी का नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसी वगैरह नंबर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो गाड़ी है उसके कोई टोकन शोकन तो नहीं, शॉर्ट कोई इशारा वगैरह तो नहीं, उसने जो कोई जो चलान वगैरह होता है वो तो नहीं आया, वो ये चीज़ें देख के आपने गाड़ी हमेशा परचेज़ करनी है। दूसरी बात मैं एक बात बताना भूल गया था, जब आप गाड़ी परचेज़ करते हैं तो गाड़ी का कार्ड होता है और एक बुक होती है, मगर अब तो जो लोग जो लेटेस्ट है वो कार्ड बन रहे हैं, तो कार्ड से जिस तरह हम बाइक का इंजन और चेसिस नंबर टैली करते हैं ना, उसी तरह अपने गाड़ी का भी इंजन नंबर और चेसिस नंबर मस्ट टैली करना होता है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी में इंजन नंबर चेसिस नंबर किधर लिखा बता दे यार राजा। हाँ भैया साहब। अच्छा एक इंजन नंबर होता है और चेसिस नंबर, ये अगर आप आसान कैमरे से लेके जाएँ तो ये चेसिस नंबर होता है NF VG, यहाँ पर चेसिस नंबर लिखा होता है, ठीक है ना? और ये जो ये रेड कलर ये जो लिखा हुआ है ना,
ये होता है इंजन नंबर L13 है। 13 का मतलब ये गाड़ी 1300 cc है। अगर इधर कोई R18 लिखा होगा तो वो 1800 cc गाड़ी होगी। ओके हो गया। लें जी बैक टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अच्छा, पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ईजी होता था क्योंकि हमारे मुल्क में बायोमेट्रिक नहीं होता था। सेलर और बायर का शनाख्त कार्ड लगता था, एक स्टाम्प पेपर होता था, उस पर तहरीर होती थी और दोनों के जो शनाख्त कार्ड लग के साइन अंगूठे होके आगे प्रोसेस में चला जाता था और गाड़ी रजिस्टर हो जाती थी। अब उन्होंने बहुत डिफिकल्ट कर दिया क्योंकि अब दोनों का बायोमेट्रिक चाहिए होता है। तो अब जब भी गाड़ी लेने जा रहे हैं, मेक श्योर अगले बंदे से करें कि जिस बंदे के नाम गाड़ी है वो एट द स्पॉट आपको बायोमेट्रिक दे। मेरे घर या मेरे वाल का ये एक असूल है कि जब भी हम कोई गाड़ी या बाइक परचेज करते हैं वो उसी टाइम घर में किसी न किसी के नाम करवा देते हैं, क्योंकि कल को खुदा ना करे जिस से हमने गाड़ी ली है वो उसकी डेथ हो जाती है, वो बाहर के मुल्क चला जाता है, वो कहीं और हो जाता है, तो फिर हम उसको कहाँ ढूंढेंगे। गाड़ी कभी भी हमारे नाम नहीं हो जाती। खुदा ना खास्ता हमने कोई चीज़ परचेज की है वो उनसे मिसप्लेस हो जाती है, चोरी हो जाती है, जब तक वो मेरे नाम नहीं होगी FIR नहीं कटेगी। बिल्कुल, मैं अगले बंदे को कहाँ ढूंढता फिरूंगा। इसलिए ये मेरा ओपिनियन है, मशवरा है आप सबके लिए है कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज करें, गाड़ी है, बाइक है, छोटी है, बड़ी है, क्योंकि जब आपने इतने पैसे लगा दिए हैं तो एक 8-10 हज़ार 15 हज़ार से कुछ भी नहीं होगा। अपने नाम गाड़ी को मस्त रजिस्टर करवाएं, कल कलाम को किसी भी मसले में पड़ने से अच्छा उसी टाइम पैसे लगा के मौके पर उससे बायोमेट्रिक लें और नाम अपने करा लें। अब प्रोसेस ये होता है कि जब आप गाड़ी के ई पे पे या बाहर भी जाके, अब अगर एग्जांपल आप मेरे से करवा रहे हैं, आप मेरे से भी करवा सकते हैं गाड़ी, जिससे हम आपको करा के देंगे। जब मैं आपका प्रोसेस फाइल करवा रहा हूँगा तो उसके बाद एक चलान निकलेगा। चलान के ऊपर एप्लीकेशन ID होती है जो कि 8 डिजिट्स पे मुश्तमिल होती है। वो मैं दूंगा बायर को, बायर जाएगा किसी ई नादरा की दुकान पे और वो वहाँ जाके वो बताएगा और उसका बायोमेट्रिक निकलेगा, स्लिप निकलेगी। फिर मैं दूंगा वही 8 डिजिट नंबर सेलर को, सेलर जाके मुझे अपना चलान दे देगा, मैं दोनों के चलान अंदर एंटर कराऊंगा और वो आगे प्रोसेस 70% हो जाएगा। अब गाड़ी की होती है हाजिरी। हाजिरी का मतलब ये होता है कि गाड़ी एक्साइज के दफ्तर जाती है, वो फाइल से इंजन नंबर चेसे नंबर टैली करते हैं और फिर वो अप्रूव करते हैं, तो गाड़ी फिर गाड़ी प्रोसेसिंग में चली जाती है और आपका कार्ड फिर इन प्रोसेस आ जाता है। फिर कार्ड डिस्पैच आता है, डिस्पैच का मतलब जो कार्ड डिस्पैच आ रहा है ऑनलाइन स्टेटस पे, तो कार्ड आपके घर के लिए रवाना हो गया, आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में। बेसिकली ये कि हम लोग हाजिरी नहीं करवाने जाते, हमारा एजेंट है, हमारा बंदा है, हम उसी को कहते हैं, वो सब कुछ काम करवाता है। आपको पता है इतनी गर्मी में कोई भी लाइनों में लग सकता, ना कोई इतना फ्री है, ठीक है। तो हम पैसे जरूर थोड़े ज़्यादा लेते हैं, 1000-2000 रुपया, मगर ये कि आपका काम घर बैठे तसल्ली से हो गया आ जाता है। फिर गारंटी बुक की, फाइल की, हर चीज़, कार्ड की गारंटी, हर चीज़ हमारी होती है, वो हर चीज़ हम चीज़ के जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ खुद पर कलेक्ट करनी होती है, फिर आपका काम कुछ भी नहीं होता उसमें। अगर आप अपनी गाड़ी रजिस्टर भी करवाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, एनीथिंग, शाम भाई का नंबर मैं एंड दे दूंगा, तो मैं आपके साथ जाके गाड़ी चेक भी कर सकता हूँ, इंस्पेक्ट भी कर सकता हूँ। और अगर आपने गाड़ी खरीदनी है, अगर मेरे पास कोई अवेलेबल हुई तो भी मैं आपको लेके दे सकता हूँ। गाड़ी सेल करनी है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाइक, गाड़ी, किसी भी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन करानी है वो भी करा सकते हैं। और अगर आप किसी भी किस्म का आईफोन सेल करना है या आपने परचेज करना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपने कहीं लेने जाना है तो वो भी मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आईफोन को आप किस तरह चेक कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर, बिना किसी टूल के। सही हो गया। लें जी, ये थी एक डिटेल्ड वीडियो, ठीक है। अगर आपने रजिस्टर करवानी है गाड़ी की, कोई भी प्रोसेस है गाड़ियों के मुतालिक, बाइक के मुतालिक, आईफोन्स के मुतालिक, तो मैं नंबर एंड पे दे दूंगा शाम का, आप इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर लें, ज़्यादा बेहतर होता है, कॉल बंदा नहीं भी सुन सकता कभी। एंड वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।